तो वन टू वन फंक्शन पे आने से पहले पहले थोड़ा सा हम देखते हैं कि फंक्शन क्या होता है। तो जब हम एक इनपुट को डाल डाल के कुछ आउटपुट आते हैं, तो अगर ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाए जिसमें एक पॉइंट से दो आउटपुट आ रहे हैं, तो ऐसा सिचुएशन या ऐसा रिलेशन फंक्शन नहीं होता। ठीक है, 11th क्लास की बात है कि उसमें फंक्शन क्या होता है, नॉट ए फंक्शन क्या होता है। तो अगर एक पॉइंट से दो आंसर आने लगे तो हम कहेंगे कि हमारा गिवन रिलेशन जो है वो फंक्शन नहीं है। अगर इस पे बेस्ड क्वेश्चन आया तो आपका 1 मार्क्स क्वेश्चन आएगा केवल। ठीक है, दूसरी सिचुएशन ऐसी, तो आप यहां देख रहे हैं कि दो डिफरेंट नंबर से सेम आउटपुट आ रहा है, करेक्ट। तो इसको हम कहते हैं नॉट वन टू वन। मतलब वन टू वन का मतलब क्या है कि हमेशा एक वैल्यू से एक ही आंसर आना चाहिए। ठीक है, देखो एक से दो तो कभी आ ही नहीं सकते, वो तो पॉसिबल ही नहीं है, वो तो फंक्शन की कैटेगरी में ही नहीं है। बट अगर दो से एक आ रहा है तो ये फंक्शन तो है, बट वन टू वन फंक्शन नहीं है, जो अभी हम 12th के सिलेबस में यहाँ पर स्टडी करेंगे। तो वन टू वन फंक्शन का मतलब है, जैसा नाम है, एक से एक ही आना चाहिए। ठीक है, दो से एक नहीं आना चाहिए। तो अब हम इसकी फॉर्मल डेफिनेशन देखते हैं कि वन टू वन फंक्शन की फॉर्मल डेफिनेशन हमारी क्या होती है। वन टू वन, टू वर्ड की जगह डैश भी लगा सकते हैं, वन डैश वन। ए फंक्शन एफ फ्रॉम ए टू बी इज सेड टू बी वन टू वन If x1 not equal to x2 implies that fx1 not equal to fx2। इसका क्या मतलब है कि अगर हम दो नंबर लें जो कि डिस्टिंक्ट हैं, जैसा कि इस पिक्चर में दिखाई दे रहा है, यहाँ पे तो डिस्टिंक्ट थे लेकिन उनके आउटपुट भी फिर डिस्टिंक्ट होने चाहिए। ओके, इसी डेफिनेशन को हम दूसरे तरीके से भी लिखते हैं। क्या? fx1 is equal to fx2 implies that x1 equal to x2। इस एक्सप्रेशन को भी अडॉप्ट कर सकते हैं हम क्वेश्चन करने के लिए। ओके, अगर लैंग्वेज में पूछना चाहे, कभी हमें डेफिनेशन मैथमेटिकल सिंबल में याद नहीं है, तो हम क्या कहते हैं, ए फंक्शन इज वन टू वन इफ डिस्टिंक्ट इनपुट गिव्स या प्रोवाइड्स डिस्टिंक्ट आउटपुट। मतलब अलग अलग नंबर लिखने से अलग अलग आंसर आना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि दो अलग अलग नंबर लिखे और सेम आंसर आ गया। ओके, तो यूजुअली हम इसमें जब क्वेश्चन करेंगे तो सेकेंड वाले पॉइंट को यूज करेंगे। ठीक है, जो फंक्शन वन टू वन नहीं होता उसका दूसरा नाम होता है एक मैनी वन। इसका नाम मैनी वन क्यों है, क्योंकि मैनी टू वन, जैसे ये है, इसमें दो नंबर डाले और एक आ गया, तो दो से एक आ गया, दो मतलब मोर देन वन, मैनी। ओके, तो इसका नाम इसलिए मैनी वन पड़ा। तो मैनी वन फंक्शन की सेम डेफिनेशन है इसी तरीके से, विच इज नॉट वन वन, ऐसा कह सकते हैं, विच इज नॉट वन। तो जो फंक्शन वन टू वन नहीं होता उसी को मैनी वन कहते हैं। ओके, यहाँ पे मैं एक चीज और बताना चाहूंगा, वन टू वन फंक्शन का एक और नाम है हमारे सिलेबस में, जिसको कहते हैं इंजेक्टिव। इंजेक्टिव वो क्वेश्चनों में लिखा हुआ मिल जाएगा आपको। दूसरा नाम है, दूसरी डेफिनेशन है ऑन टू। ऑन टू का दूसरा नाम है सरजेक्टिव। दो ही डेफिनेशन है इस एक्सरसाइज में। तो सरजेक्टिव किसे कहते हैं, एफ ए टू बी इज सेड टू बी ऑन टू इफ फॉर ईच वाई बिलोंग टू बी देर एग्जिस्ट एक्स बिलोंग टू ए सच दैट।
एक्स इज इक्वल टू वाई। ओके, तो किताबी भाषा तो यही है। अब इसको हम थोड़ी सिचुएशन ग्राफिकल और इस तरीके से भी समझते हैं। लिखा क्या है इसमें, फॉर ईच वाई बिलोंग टू बी, मतलब बी सेट पे फोकस यहाँ ज्यादा किया जाता है कि बी सेट में कोई भी पॉइंट है तो उसके करस्पॉन्डिंग एक्स ए में जरूर मिलेगा, जिस एक्स को एफ में पुट करके वाई आ जाए। ओके, अगर इसको हम पिक्चराइजेशन में देखें, ईच एलिमेंट, ईच एलिमेंट ऑफ बी हैज प्री इमेज इन ए, ठीक है। मतलब जैसे हमने लिखा था ना एफ एक्स इक्वल टू वाई, तो उसमें वाई को तो हम कहते हैं कि इमेज ऑफ एक्स, और जो एक्स है उसको बोलते हैं प्री इमेज ऑफ वाई। मतलब एक्स को प्री इमेज बोलते हैं, वाई को इमेज बोलते हैं, ठीक है। अब इसमें हम इसको पिक्चराइजेशन में एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ आपको। सपोज आपको एफ एक रिलेशन दे रखा है ए टू बी, और फिर आप उसमें एक एक नंबर लिखते जा रहे हैं तो कुछ ना कुछ आंसर आते जा रहे हैं, ठीक है। और बी में कोई ऐसा एक नंबर है, सपोज कुछ भी लिखा है, टू लिखा है, कि भाई कुछ भी लिखने से टू नहीं आ रहा, वो खाली पड़ा है ऐसे ही, तो इस टाइप की सिचुएशन होती है नॉट ए ऑन टू फंक्शन, ठीक है। तो इस टाइप के फंक्शन को हम कहते हैं कि वो ऑन टू नहीं है। ओके, ऑन टू की एक और डेफिनेशन भी हम लिख देते हैं, अगर हमें समझ आती है तो, क्या रेंज इक्वल टू कोडोमेन, ठीक है। ये भी ऑन टू फंक्शन की डेफिनेशन मानी जाती है, क्योंकि जैसे जब हम कोई फंक्शन लिखते हैं एफ ए टू बी, तो उस बी पूरे सेट को क्या बोलते हैं, कोडोमेन, और रेंज किसको बोलते हैं, जो जो नंबर आउटपुट में आते हैं। तो यहां पर जैसे अगर आप देखें तो 1 3 4 रेंज कहलाएगा, और चारों नंबर्स मिलके कोडोमेन कहलाएंगे, ठीक है। जो आंसर्स बन के आ रहे हैं किसी ना किसी वैल्यूज की कॉरेस्पॉन्डिंग, वो रेंज कहलाते हैं। तो अगर इस टाइप का टू टाइप का नंबर कोई भी ना हो सेट में, कोई भी खाली ना पड़ा हुआ हो, तो हम कहते हैं कि हमारा फंक्शन ऑन टू है। ठीक है, तो इनटू फंक्शन रह गया था अभी पहले ऑन टू के साथ, तो वही डेफिनेशन है जैसे मैंने वन की थी, कि ए फंक्शन विच इज नॉट ऑन टू इज कॉल्ड इनटू फंक्शन। ओके, अच्छा, जब हमारे पास कोई क्वेश्चन आ जाएगा कि भाई इसको वन वन चेक करो या नॉट वन वन या ऑन टू व्हाटएवर, तो एकदम से क्वेश्चन स्टार्ट करने में बड़ी प्रॉब्लम होती है कि भाई कैसे स्टार्ट करें। फॉर द बिगिनर की बात कर रहा हूँ मैं, सीखने के बाद तो सभी आ जाएगा। तो वन वन शो करना है तो उसका स्टाइल थोड़ा सा अलग होता है, नॉट वन वन शो करना है तो उसका स्टाइल अलग होता है। तो मैं कुछ कॉमन से स्टेप लिख रहा हूँ जो यूजुअली हमेशा काम करते हैं, ठीक है। तो सपोज माय फंक्शन इज फ्रॉम ए टू बी और मुझे शो करना है कि वन वन है, तो मैं इसके जो स्टेप्स हैं वो कैसे लिखूंगा, लेट एक्स वन कॉमा एक्स टू बिलोंग टू डोमेन, आफ्टर दिस कंसीडर एफ एक्स वन इज इक्वल टू एफ एक्स टू। अब आपको एफ एक्स फंक्शन दिया गया होगा तो आप उसमें एफ एक्स वन और टू की वैल्यू लिख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे उसके बाद आपको चेक करना है एक्स वन इक्वल टू एक्स टू। ओके, इफ एक्स वन इक्वल टू एक्स टू ये आ जाता है, देन एफ इज वन टू वन, और अगर एक्स वन और नॉट इक्वल टू एक्स टू ऐसी सिचुएशन आपको मिल जाए इसको सॉल्व करके इक्वेशन को, ठीक है, देन एफ इज Not one to one. तो एक ये तरीका हो गया। लेकिन अगर मुझे थोड़ा सा आइडिया है, श्योर है कि पहले से कि फंक्शन वन टू वन नहीं है, ठीक है, तो उसके जो स्टेप्स होते हैं वो कैसे होते हैं, टेक, आप डोमेन में से कोई दो नंबर पिक करेंगे अपनी चॉइस के, डोमेन में से कौन से नंबर पिक करेंगे कि जिनसे फंक्शन की वैल्यू सेम आ जाए, ठीक है, देन एफ इज नॉट वन टू वन, ठीक है। अगर हम डोमेन में दो डिफरेंट नंबर ढूंढ पाए जिनके
आउटपुट सेम आ जाए तो हम कहेंगे कि फंक्शन 1 to 1 नहीं है। तो जब हम क्वेश्चन करेंगे और सपोज हम नॉट 1 1 शो कर रहे हैं तो यही सारा कुछ लिखेंगे, बस यहाँ थोड़े कुछ फिलिंग कर देंगे, नंबर्स क्या लेने हैं, वैल्यूज कितनी आ रही है, बाकी सेम कॉपी करेंगे। तो फिक्स फॉर्मेट है, फिल इन द ब्लैंक्स टाइप का मटेरियल होता है। हाँ, इक्वेशन अगर fx बड़ी सी इक्वेशन आ गई तब एक अलग बात है कि भाई कैलकुलेशन थोड़ी ज्यादा हो जाती है। नेक्स्ट पार्ट है ऑन टू के लिए। ऑन टू तो इसका जो प्रोसीजर है वो क्या है, लेट y बिलोंग टू b, देन कंसीडर fx इज इक्वल टू y। अगर आप ये स्टेप सीख लेंगे जो मैं बता रहा हूँ तो बहुत आसान है करना, कोई मुश्किल का काम नहीं है, ठीक है। लेकिन कुछ बेसिक स्टेप्स आपको सीखने पड़ेंगे जो मैं सिखा रहा हूँ। इसके बाद एफ एक्स की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी होगी तो वो लिखेंगे, और एक्स की यहाँ से फिर एक्स की वैल्यू निकालेंगे, एफ एक्स की वैल्यू पुट करके एक्स की वैल्यू निकालेंगे, और एक्स की वैल्यू ऑब्वियसली इन टर्म्स ऑफ वाई आएगी। ओके, तो इफ दिस एक्स बिलोंग टू ए देन एफ इज ऑन टू, और अगर x a में बिलोंग नहीं करता है देन f इज नॉट ऑन टू, करेक्ट। तो ये है, और अगर हमें शुरू से ही पता चल जाए कि भाई ऑन टू नहीं है तो उसके जो लिखने का तरीका है वो कैसे रहेगा, तो आपको एक नंबर ढूंढना पड़ेगा डोमेन में, सॉरी कोडोमेन में, आपको एक नंबर ढूंढना पड़ेगा कोडोमेन में जिसकी प्री इमेज ना हो। तो If there exists a number or an element in B which has no pre-image, in A, okay, then F is not onto. ठीक है, वैसे ये वाला प्रोसीजर लगता नहीं है कभी कोई इक्के दुक्के क्वेश्चन में अप्लाई होता है, बट इसका मतलब क्या है डायरेक्टली अगर देखें तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ जो यहाँ पिक्चर बनाई है कि आपको क्वेश्चन fx देखते ही समझ आ जाए कि भाई देखो मेरे कोडोमेन में एक ऐसा नंबर है जो कभी भी नहीं आएगा। नहीं आएगा मतलब कि उस नंबर की प्री इमेज नहीं मिलेगी। अगर प्री इमेज का मतलब आप नहीं समझ पा रहे कोई भी, तो जैसे a लिखने से 1 आ रहा है तो b में 1 है, तो मैं बोलूंगा कि 1 की प्री इमेज ए है। इसी सेंटेंस को ऐसे भी बोल सकते हैं, ए की इमेज 1 है। तो अगर ऐसी पिक्चर है तो हम बोल देंगे कि भाई डोमेन में कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जिसकी इमेज 2 हो, और इसी सेंटेंस को ऐसे भी बोल सकते हैं, 2 हैज नो प्री इमेज इन द डोमेन। ओके, ऐसे कर सकते हैं। तो अब इसको हम क्वेश्चंस के थ्रू अप्लाई करने की कोशिश करते हैं कि फर्स्ट सेकंड और थर्ड, फिलहाल अभी इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई इक्के दुक्के क्वेश्चन में जरूरत पड़ेगी। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड को एक बार पढ़ के फिर हम क्वेश्चंस ट्राई करते हैं कि भाई इसी फॉर्मेटिंग से हमसे क्वेश्चन कैसे होते हैं, कैसे हम। ओके, रिपीट करिए अभी आपने क्या क्वेश्चन बोला। हाँ, तो अब मैं आपसे छोटे छोटे 2-3 क्वेश्चन पूछूंगा तो सिर्फ येस और नो में जवाब देंगे, नो एक्सप्लेनेशन रिक्वायर्ड। तो आई एम सेइंग If y is a natural number, if y is a natural number, then y square is natural number or not, or may not? Yes. Yes, sir, natural. If y is a natural number, then 2y is also a natural number. True, false, or may not be? True. True. If y is a natural number, then y plus 1 divided by 2 is a natural number? May or may not. May or may not be. Okay. If y is a real number, then y square plus 1 is also a real number. Yes. May or may not be. The answer is true. It is real number. आपने मे और मे नॉट बोला, सिचुएशन बताओ क्यों नहीं बिलोंग कर पाएगा, उसके कोई एक वजह बताओ, या जो आपने सोची गलत हो सकती है बट आपने क्या सोचा ये बताओ। सर मैंने वो जीरो से मतलब जीरो और वन के बीच में नंबर सर, वाई स्क्वायर प्लस वन तो रियल नंबर है। यस सर, इफ वाई इज रियल नंबर देन वाई स्क्वायर इज रियल नंबर, रियल नंबर में वन ऐड करेंगे तो रियल।
ओके, इफ वाई इज ए रियल नंबर देन वाई प्लस वन डिवाइड बाई थ्री. इफ वाई इज ए रियल नंबर देन वाई प्लस वन डिवाइड बाई थ्री इज ए रियल नंबर और मे और मे नॉट बी. मे और मे नॉट. एग्जाम्पल या ऐसा क्यों लगा आपको? ऐसे थ्री प्लस वन डिवाइडेड बाय थ्री करेंगे तो फिर हमारे पॉइंट में आंसर आएगा. पॉइंट रियल नंबर नहीं होता. तो यहाँ पर थोड़ी इस चैप्टर में बस ये प्रॉब्लम तो आएगी हमें कि हमें नेचुरल नंबर, रियल नंबर, रैशनल नंबर्स की नॉलेज होनी चाहिए. अगर इन चीजों की इंफॉर्मेशन कम है तो ऑन टू वाला पार्ट थोड़ी तकलीफ हमारे लिए क्रिएट करेगा. ठीक है, तो इन चीजों का थोड़ा सा समझ के रखें. इसी पे बेस्ड ऑन टू वाला कंसेप्ट होता है. नेक्स्ट इज इफ वाई इज ए रियल नंबर. इफ वाई इज ए रियल नंबर देन अंडर रूट वाई इज ऑल्सो ए रियल नंबर. सर मे और मे नॉट बी. मे और मे नॉट. फॉल्स. एग्जांपल बताओ नॉट का. सर वो माइनस. तो अगर मैं वाई को नेगेटिव रियल नंबर ले लूं तो अंडर रूट वाई जो है कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाएगा, वो रियल नहीं रहेगा. ठीक है, तो इस टाइप की चीजें यूज होंगी थोड़े ऑन टू वाले पार्ट में. तो क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं. सर जो ऑन टू वाला पार्ट है उसमें जो लास्ट स्टेप में लिखा है कि हम जब एक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे तो अगर एक्स एफ ए में बिलोंग करेगा तो वो ऑन टू होगा. बट सर वो नेसेसरी तो नहीं ना कि वो सारे डोमेन के लिए फॉलो हो. सारे के, हाँ, अगर वो सारे के लिए फॉलो होगा तभी ऑन टू होगा. इफ इफ फॉर आर्बिट्री वाई योर एक्स बिलोंगिंग टू ए देन ऑन टू. अगर आपने एक भी वाई ऐसा पिक कर लिया, उसमें ढूंढ लिया यहाँ पे आने के बाद कि भाई मैं अगर वाई इतना ले लूंगी तो ये वाला x belong नहीं करेगा. It means you are in this situation. You say f is not onto और आपको y का particular example बताना पड़ेगा कि भी इस y के लिए मेरा x belong नहीं कर रहा. That's why not onto. Okay sir. मतलब वही फिर ये वाली situation होगी ना, fourth point वाली, जो कि हम direct नहीं judge कर पा रहे थे, but यहाँ से जब x निकला तो उसने हमें समझा दिया कि हाँ ये number गड़बड़ कर रहा है. Yes sir. Point two. तो f एक फंक्शन है r स्टार टू r स्टार. तो r स्टार का मतलब है नॉन जीरो रियल नंबर. ठीक है, तो नॉन जीरो रियल नंबर, नॉन जीरो रियल नंबर एफ एक्स इक्वल टू वन बाई एक्स ये दे रखा है. अब आपको चेक करना है वन टू वन है या नहीं है और ऑन टू है या नहीं. ठीक है, और इस क्वेश्चन में दो पार्ट है, अभी हम फर्स्ट पार्ट पे फोकस कर रहे हैं. तो वन टू वन का प्रोसीजर क्या है? Let x1 comma x2 belong to R star. Consider fx1 is equal to fx2. अब देखो fx की वैल्यू 1 by x है, तो fx1 की वैल्यू क्या होगी? 1 by x1 और इसकी वैल्यू होगी 1 by x2. ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x1 is equal to x2. तो आप देखो अपने आप x1 equal to x2 आ गया. तो जो मैंने चार पॉइंट लिखवाए थे उसके अकॉर्डिंग f is 1 to 1. ओके, इस टाइप क्या हो गया. अब on to वाले पार्ट में लेते हैं. लेट y belong to b. b क्या है यहाँ पर? ये देखो b इधर वाला होता है, ये तो ये r star ही है. कंसीडर fx is equal to y. fx की वैल्यू 1 by x और y. अगर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके x की वैल्यू निकालें तो 1 by y आ जाएगी, है ना? तो अब देखो y आपका क्या है? ये है r star. तो आपको ये सोचना है कि जो ये वैल्यू निकल के आई है क्या ये डोमेन में बिलोंग कर रही होगी? तो अब क्या रीजन लिखोगे इसमें? सिंस y इज ए नॉन जीरो रियल नंबर देयर फोर The value of x which is 1 by y also belong to domain. अब ये domain range एक जैसे हैं, इसलिए थोड़ा confusion लग रहा होगा आपको. क्योंकि real number में कोई problem नहीं है, सिर्फ दो situation की complication होती है real numbers में. एक तो divide में zero नहीं होना चाहिए और under root में negative नहीं होना चाहिए. तो division लिखा है तो y zero है नहीं यहाँ लिखा हुआ है. R star का meaning उसने बताया हुआ है कि non zero real numbers. Non zero real number मतलब
एवरी रियल नंबर एक्सेप्ट जीरो. तो वाई जीरो नहीं है तो ठीक है, बिलोंग कर रहा है. इसका मतलब क्या हुआ कि मेरा फंक्शन ऑन टू फंक्शन है. ओके तो ये आपका फर्स्ट पार्ट इस क्वेश्चन का होगा. तो अब इसमें सेकंड पार्ट देखते हैं कैसे करेंगे. ठीक है तो बिल्कुल वैसे ही काम करते हैं. स्टार्ट, लेट एक्स वन कॉमा एक्स टू बिलोंग टू डोमेन. तो सेकंड पार्ट में बस इसने बोला है कि डोमेन को एन ले लो, कोडोमेन सेम रखना है. ठीक है तो बिल्कुल सेम पहले वाले के जैसा चलेगा, फर्स्ट पार्ट की जैसे कोई चेंज नहीं है इसमें. एफ इज वन टू करेक्ट, तो इसमें कोई चेंज नहीं आया. देखो इसमें ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट आप देखेंगे कि सारे क्वेश्चन एक जैसे ही है, बस थोड़ा सा आपको स्टार्टिंग समझ आनी चाहिए क्या. अब ऑन टू, ये मुझे पता है ऑन टू नहीं है, लेकिन अभी आप जज नहीं कर पाएंगे स्टार्टिंग में, तो आप बिल्कुल वैसे ही चलें जैसे चलते थे. मैं थोड़ा फास्ट इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि बिल्कुल ऊपर जो लिखा है वही कॉपी करना है, तो उसमें क्या समझाना. अब ऐसा आ गया, अब आपको जज क्या करना है. अब आपको जज करना है क्या ये एक्स डोमेन में बिलोंग करता है, एंड व्हाट इज माय डोमेन, नेचुरल नंबर, और वाई क्या है, रियल नंबर एक्सेप्ट जीरो. तो अगर मैं जीरो के अलावा कोई भी यहां रियल नंबर लिख लूं तो क्या ये हमेशा नेचुरल नंबर में बिलोंग करेगा. आंसर इज नो. इफ वी टेक, आई भी लिख सकते हैं क्योंकि एग्जाम में तो एक ही आदमी करता है ना. इफ वी टेक वाई इज इक्वल टू टू, और y की वैल्यू 2 ली जा सकती है, रियल नंबर है, देन x जो है 1 by y जो है वो नेचुरल नंबर में बिलोंग नहीं करेगा. सो दिस इंप्लाइज f इज नॉट ऑन 2. तो ये ऐसा हो गया, करेक्ट. तो ये इसका सलूशन हो गया. एक क्वेश्चन सीखने से ही 10 क्वेश्चन सीख लेंगे हम, तो एक को अच्छी तरह सीखें. और जो चार पॉइंट मैंने बताए हैं उसमें से मिनिमम वो तीन तो फर्स्ट सेकंड थर्ड वाला तो अच्छे से जरूर सीखें. क्वेश्चन नंबर टू, उसमें फर्स्ट पार्ट जो है वो है नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर और एक्स स्क्वायर है. तो कैसे चेक करें कि वन वन है या नहीं है, ऑन टू है या नहीं. सपोज मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा तो बिल्कुल वैसे ही चलेंगे जैसे वन टू वन करते हैं. ठीक है, हेडिंग डालें थोड़ा सा अच्छा दिखता है. फिर एक्स वन कॉमा एक्स टू बिलोंग टू डोमेन, डोमेन ये होता है पहले वाला जो एफ के पास लिखा है. कंसीडर fx1 equal to fx2, फिक्स लाइन है. समझें इस बात को कि फिक्स लाइन जो होती है, अगर ये भी कोई स्टूडेंट नहीं लिख पा रहा तो फिर वो उसकी उसकी खुद की प्रॉब्लम है ना. देखो fx की वैल्यू x स्क्वायर लिखी है, तो x1 लिख देंगे तो x1 का स्क्वायर और x2 लिख देंगे तो x2 का स्क्वायर. तो यहाँ तक कोई कैलकुलेशन ऐसा नहीं है कि कोई अनोखी चीज हमने सीख ली या प्रैक्टिस कर ली है ना. अब यहाँ से इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो ऑब्वियसली कितना आएगा, x1 is equal to plus minus x2. इस बात को भी समझने की कोशिश करें कि अगर इवन पावर्स होती हैं 2, 4, 6 तो प्लस माइनस आएगा, लेकिन अगर पावर ऑड है 3, 5, 7 तो आप पावर हटा के लिख सकते हैं और प्लस माइनस नहीं आता, एक ही क्वेश्चन बनती है. अब यहाँ पर आपके पास दो एक्सप्रेशन हो गए, एक तो x1 is equal to x2 और दूसरा हो गया x1 equal to minus x. तो अब इसको मैं थोड़ा सा ऐसे लिख देता हूँ, आपको समझाने में आसानी रहेगी. ठीक है, अगर हम ऐसे दो नंबर ढूंढ लें जो इसी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे तो हम कह पाएंगे कि 1-1 नहीं है, और अगर हम इसको रिजेक्ट कर दें तो ये वाली कंडीशन ट्रू हो जाएगी, तो 1-1 हो जाएगा. तो अब देखो इधर, सिंस x1 x2 कैसे नंबर है हमने ऊपर लिए थे, x1 x2 आर नेचुरल नंबर्स, और दो नेचुरल नंबर्स को प्लस करके कभी जीरो नहीं आता. तो सिंस x1 x2 आर नेचुरल नंबर, देयरफॉर x1 plus x2 is not equal to zero. Okay, so this implies x1 equal to x2. So मतलब ये वाली condition true हो जाएगी. So f is 1-1. लेकिन अगर यही question natural के लिए integers में होता, integers, तो ये question true हो जाती. फिर हम यहाँ पर थोड़ा example देते कि भाई if I take x1 equal to 2, x2 equal to minus 2, then this becomes zero. मतलब x1 plus x2 become zero. Therefore function is not 1-1. यही लिख देते हैं, ठीक है, इस तरीके से हो जाता. अब ऑन टू वाला पार्ट देखते हैं. तो लेट y बिलोंग टू कोडोमेन, कंसीडर fx इज इक्वल टू y,
एफ एक्स की वैल्यू लिखी, ये आ गया x की वैल्यू, यहाँ निकाली तो प्लस प्लस माइनस y आ गया। अब आपको सोचना है क्या ये डोमेन में बिलोंग कर रहा है, तो नहीं करेगा। तो मैं कह रहा हूँ इट्स नॉट डजंट बिलोंग टू नेचुरल नंबर। इफ आई टेक y इज इक्वल टू टू, देखो y नेचुरल नंबर है, तो अगर मैं y की जगह दो ले लूँ तो जो वैल्यू आएगी रूट टू, ये डोमेन में बिलोंग नहीं करेगी। तो इससे मैं क्या कह सकता हूँ कि मेरा जो फंक्शन है वो ऑनटू नहीं है, ठीक है। तो ये इसका सोल्यूशन हो गया पूरा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम एक्सप्लेनिंग विच फंक्शन इज नॉट वन टू वन। तो आपको जब क्वेश्चन दिया जाएगा तो उसमें एफ एक फंक्शन दिया जाएगा एफ एक्स करके, और उसकी डोमेन कोडोमेन दी जाएगी। डोमेन और कोडोमेन बोलते हैं हमेशा याद रहे, डोमेन और रेंज नहीं बोलते। जैसे लिखा है ए और बी, तो ए इज डोमेन, बी इज कोडोमेन। तो व्हेन वी कैन से ए फंक्शन इज नॉट वन टू वन, अगर डोमेन में कैपिटल ए में हम दो नंबर ढूंढ लें, एंड ऑब्वियसली डिफरेंट दो नंबर ढूंढ लें, जैसे टू थ्री टू फाइव, कोई भी दो नंबर ढूंढ लें, ऐसा नहीं कि अपने आप मिल जाएंगे, जिनको फंक्शन में पुट करके सेम वैल्यूज आ जाए। जैसे एक आसान उदाहरण लेता हूं, एक्स स्क्वायर, तो टू और माइनस टू, लेकिन इस बात को इंश्योर कर लें कि डोमेन में माइनस टू है। कई बार नेचुरल नंबर दे रखा होता है, तो ध्यान रहे इस बात को। तो इसलिए मैं कह रहा हूं डोमेन में हम दो नंबर ढूंढ लें, सर्च कर लें, सो दैट कि उसको जब फंक्शन में पुट करें तो आंसर सेम आ जाए। तो ऐसे फंक्शन को कहते हैं नॉट वन टू वन। जैसे रियल नंबर डोमेन दे रखा है और एक्स स्क्वायर फंक्शन है, तो डोमेन में मैं टू और माइनस टू ढूंढ सकता हूं, जिसको पुट करके फोर आएगा दोनों बार। तो इसका मतलब मेरी इनपुट तो डिफरेंट है बट आउटपुट सेम है। इट मींस ऐसे फंक्शन को बोलेंगे नॉट वन टू वन। ओके, तो वन टू वन का मतलब क्या हुआ फिर? ऑब्वियसली जब मैं ये दो नंबर ना ढूंढ पाऊं तो कहूंगा वन टू वन। अब ये पता कैसे चलेगा ना ढूंढ पाऊं? तो ये वाक्य में डिफिकल्ट काम है, इसमें कोई शक नहीं। तो उसका जो प्रोसीजर है वो ये है, हम सबसे पहले लिखेंगे कि भाई लेट x1 एंड x2 बी एनी टू नंबर्स इन द डोमेन। इसमें हम कोई शर्त नहीं डाल रहे हैं इक्वल है अनइक्वल है, कुछ भी हो सकते हैं। फिर हम कंसिडर करेंगे कि उनके आउटपुट इक्वल्स हैं, एफ एक्स वन इक्वल टू एफ एक्स टू। फिर यहाँ पर इक्वेशन सब्स्टिट्यूट करके सॉल्व करेंगे, तो हमेशा वो है ना x1 और x2 की कुछ इक्वेशंस बनेंगी लास्ट में, या तो इक्वल की बनेंगी या नॉट इक्वल की। अगर इक्वल की बन जाती है तो वन टू वन, नॉट इक्वल की बन जाती है तो नॉट वन टू वन। इस वाले मेथड में भी ऐसी सिचुएशन अराइज हो सकती है जिसमें नॉट इक्वल टू वन है, ठीक है। ये तो थी बात वन टू वन और ऑन टू की। उसके बाद आती है ऑन टू, सॉरी वन टू वन और नॉट वन टू वन की। अब आती है ऑन टू की बात, कब कहते हैं कि कोई फंक्शन ऑन टू नहीं होता। पहले नहीं पे फोकस करना आना चाहिए आपको, क्योंकि नहीं से आप समझ पाएंगे कि है क्या एक्चुअली। सपोज इस टाइप की पिक्चराइजेशन है, इस टाइप का एरो डायग्राम है ना, कि भाई मैंने फंक्शन ऐसा दे रखा है जिसमें ए पुट किया तो वन आया, बी पुट किया तो थ्री आया, सी पुट किया तो फोर आया, और इसमें चार नंबर दे रखे हैं जिसमें टू ऐसा है कि कुछ भी पुट कर लो टू नहीं आ पा रहा। क्या बोला मैंने? Whatever I substitute as x in the function, we are not able to receive the value 2. तो इसको सिंपल भाषा में कहते हैं, यहाँ दो खाली पड़ा हुआ है, वो कभी आंसर नहीं बनेगा किसी चीज का। तो ऐसा फंक्शन ऑन टू नहीं होता, इस फंक्शन को इंटू फंक्शन कह देते हैं। जो फंक्शन ऑन टू नहीं होते उसे इंटू कहते हैं। दूसरी बात, इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं, अगर कोडोमेन और रेंज इक्वल हो जाए तो हम बोलते हैं कि फंक्शन ऑन टू हो गया, ठीक है। अगर इधर सारे कवर हो जाए तो ऑन टू कहते हैं, एक भी ऐसा मिल जाए जो नहीं कवर हो पाएगा तो नॉट ऑन टू। अब ऑन टू प्रूफ करने का जो प्रोसीजर है वो क्या प्रोसीजर है? लेट वाई बिलोंग टू बी, बी मतलब कोडोमेन। देखो अगर आपको ऑन टू क्वेश्चन करना है तो ये लाइन आप फिक्स है, कभी नहीं बदलेंगे बेटा। अगर वन टू वन चेक करना है तो ऊपर वाली पांच लाइन फिक्स है, कभी नहीं बदलेंगी। मिनिमम इतना लिखना जरूर आना चाहिए आपको, एक दो ये लाइन तो लिखनी आनी चाहिए। उसके बाद एफ दे रखा होता है तो तीसरी लाइन भी अपने आप हो जाती है, ठीक है। ऑन टू का प्रोसीजर वाई बिलोंग टू बी, एफ एक्स इक्वल टू वाई, एफ एक्स बुक में दिया होगा वो लिखेंगे,
और उसको सॉल्व करके x की वैल्यू निकालेंगे इन टर्म्स ऑफ y. तो जो y का एक्सप्रेशन आएगा अगर वो a में बिलोंग कर जाता है तो ऑन टू, नहीं बिलोंग करता तो नॉट ऑन टू. ओके, लास्ट क्लास में हमने दो एग्जांपल भी करे थे इसी से रिलेटेड. डिसाइड क्या लगता है ये वन टू वन है? तो वन टू वन नहीं है ये, एक बच्चे ने आंसर भी दिया. तो हाउ टू शो इट इज नॉट वन टू वन, तो उसका जो प्रोसीजर है, मुझे दो नंबर डोमेन में चाहिए तो मैं दो ले लेता हूँ, एक्स टू को माइनस टू ले लेता हूँ. इसको लिखो, इसमें चार आएगा, एफ एक्स टू को लिखो चार आएगा. देखो डोमेन, देखो जेड है, जेड में माइनस टू होता है. Here, x1 not equal to x2 and fx1 is equal to fx2. Same वही procedure है जो मैंने वहाँ algorithm में लिखा था. Therefore, f is not one to one. Okay. मैं इसको आपको दूसरे तरीके से भी करके दिखाता हूँ. देखो, और exam में एक तरीके से करना है कि भाई मुझे नहीं समझ आ रहा कि ऐसे नंबर मेरे को नहीं मिल पा रहा, हो सकता है एक्सप्रेशन थोड़ा डिफिकल्ट हो, तो क्या करेंगे? तो उस वाले प्रोसेसर से चलेंगे जिस प्रोसेसर से हम वन टू वन शो करते हैं, अपने आप होगा, बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. ठीक है, ये वन टू वन का प्रोसेसर होता है. एफ एक्स की वैल्यू एक्स स्क्वायर है, तो एफ एक्स वन की एक्स वन स्क्वायर और इसकी x2 स्क्वायर. आप अंडर रूट लगाएंगे तो प्लस माइनस. ठीक है, तो यहां पर दो इक्वेशन बन गई आपकी. तो एक तो बन गया x1 इक्वल टू x2 और एक बन गया x1 इक्वल टू माइनस x2, या इसको ऐसे लिखेंगे हमेशा, थोड़ा समझ आराम से आते हैं. अब जैसा कि मैंने पहले भी समझाया था, अगर ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो गई तो नॉट वन टू वन हो जाएगा. अब क्या ये इक्वेशन सेटिस्फाई होती है? तो यहाँ पर, अब यहाँ पर समझाएंगे वो नंबर, यहाँ से थोड़ा आइडिया लगेगा आपको कि x1 प्लस x2 जीरो चाहिए आपको. तो इफ x1 इज इक्वल टू टू, x2 इक्वल टू माइनस टू, देन x1 प्लस x2 इज जीरो. तो दिस इंप्लाइज f इज Not one to one. But इस बात को जरूर इंश्योर कर लें कि टू और माइनस टू आपके डोमेन में होने चाहिए. ठीक है, ऑन टू, लेट y belong to b codomain. Consider fx equal to y. ठीक है, सिंपल सी एक्स के लेने के लिए प्लस माइनस अंडर रूट. अब मुझे सोचना है क्या ये डोमेन में बिलोंग कर रही है, क्या ये जेड में बिलोंग कर रही है? तो मैं कहूंगा नहीं कर रही. इफ आई टेक वाई इज इक्वल टू फॉर एग्जांपल टू, क्वेश्चन यहां भी उठता है क्या वाई के लिए दो ले सकते हैं? देखो वाई कहां है, जेड में, इंटीजर्स. तो अगर मैं वाई के लिए टू ले लूं तो रूट टू हो जाएगा जो कि इंटीजर नहीं होता. तो इससे क्या पता चलता है? एफ इज Not onto. और जो स्टेप लिखा हुआ है इसका मतलब एक्चुअली ये है कि ये ऐसा फंक्शन है जिसमें डोमेन का कोई भी नंबर पुट कर दो टू आंसर नहीं आ सकता. नेक्स्ट पार्ट है हमारा रियल नंबर टू रियल नंबर और फंक्शन है एक्स स्क्वायर. तो जो हमने सेकेंड पार्ट किया बिल्कुल उसी के जैसा है, मैं चाहूं तो लिख सकता हूं बट डिटो सेम लिखना है तो कोई भी जरूरत नहीं है लिखने. आप क्या लिखेंगे? x टेक x1 इक्वल टू टू, x2 इक्वल टू माइनस टू, रियल नंबर में होते हैं, पुट करेंगे फोर फोर आएगा, तो ये वन टू वन नहीं है. ऑन टू का प्रूफ कैसे लिखेंगे? देखो यही लिखेंगे, सेम यही लिखेंगे, लेट y बिलोंग टू रियल नंबर क्योंकि कोडोमेन रियल नंबर है. सारी कहानी सेम. अब प्रॉब्लम ये है कि टू ले लेंगे तो बिलोंग कर जाएगा बिकॉज रूट टू रियल नंबर होता है. तो बताओ क्या लेंगे कि बिलोंग ना करें?
y की वैल्यू क्या ले यहाँ पर कि रियल नंबर में बिलोंग ना करे? नेगेटिव नंबर्स माइनस नेगेटिव नंबर यस। अगर मैं इसमें नेगेटिव ले लेता तो नेगेटिव इसमें भी परफेक्टली फाइन चलता और इसमें भी चलता है ना। फोर्थ पार्ट देखो, अगर आप चाहें तो सोल्यूशन लिख के चेक भी करा सकते हैं, अपना सोल्यूशन लिख के भेज दें, मैं उसमें कोई करेक्शन होगी तो बता दूंगा। क्वेश्चन नंबर फोर ये है एक्स क्यूब, ठीक है, सिमिलर पैटर्न में ट्राई करें, ये वन टू वन और ऑन टू हो जाएगा। देखो कैसे क्यूब है इसलिए करा देता हूँ, थोड़ा अलग हो जाएगा। लेट एक्स वन कॉमा एक्स टू बिलोंग टू डोमेन, सो वो नेचुरल टू नेचुरल नंबर, यस, ये फोर्थ पार्ट में नेचुरल टू नेचुरल। तो इसकी वैल्यू आएगी एफ एक्स वन क्यूब एक्स टू, ऑड पावर्स को रिमूव करते हैं तो प्लस माइनस नहीं लगाते, तो एक ही केस बनेगा। इवन पावर को रिमूव करते हैं तो ही प्लस माइनस आता है जो हम लगाते हैं। वाई बिलोंग टू एन, कंसीडर एफ एक्स इक्वल टू वाई, एक्स क्यूब इक्वल टू वाई, एक्स की वैल्यू वाई की पावर वन बाई थ्री, तो क्या हमारे डोमेन में बिलोंग कर पाएगी हमेशा? नो, इफ वी चूज वाई इक्वल टू टू। ठीक है, क्या लगता है आपको इसको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कहते हैं? तो रिकॉल करने के पर्पस से अगर मैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को याद दिलाऊं तो इसके अंदर अगर हम वन पुट करते हैं तो वन आंसर आता है, और 1.1 पुट करते हैं तो वन आता है। वन और टू के बीच में कोई भी नंबर लिखें, इस एक्सप्रेशन में वन और टू के बीच में कोई भी नंबर लिखें तो वन ही आंसर आएगा, है ना? तो क्या लगता है ये वन टू वन है फंक्शन? नो सर। ऑन टू? नो सर। ठीक है, बाकी लोग रिटर्न में देखिए कैसे इसको हम लिखेंगे कि हमारे पास ये एक्सप्रेशन है तो हम बताना चाहते हैं वन टू वन है या नहीं। तो सपोज मैंने एक्स की वैल्यू वन ले ली और एक 1.3 ले ली, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में व्हेन आई सब्स्टिट्यूट वन सो हमें वन वैल्यू देगा, और 1.3 लिखेंगे तो भी वन। तो हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि हमने इनपुट तो डिफरेंट लिए बट आउटपुट सेम आ रहे हैं, तो फंक्शन वन टू वन नहीं है। ओके, ऑन टू के लिए हमें पता है कि जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है वो हमेशा इंटीजर वैल्यू लेता है एज ए आउटपुट, मतलब इसका जो आंसर आएगा वो हमेशा इंटीजर आएगा। और हम ऑन टू के लिए कहते हैं कि कोड ओमेन में कुछ भी खाली नंबर पड़ा नहीं रहना चाहिए, तो ऑब्वियसली इसमें डेसिमल वाले रह जाएंगे, तो गिव एनी नंबर डेसिमल फॉर्म, तो आप कहेंगे कि भाई इस नंबर की कोई प्री इमेज नहीं है एफ फंक्शन के रिस्पेक्ट में, मतलब ये कहना चाहते हैं कुछ भी पुट कर लो 1.5 जो यहाँ पे है वो आएगा नहीं। तो एक नंबर कोडोमेन में रह गया जो रेंज में कवर नहीं हो रहा, इट मीन्स माई फंक्शन इज नॉट ऑन टू। इसी के साथ लेते हैं नेक्स्ट वाला एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स, और इसकी जो डोमेन रेंज है वो रियल रियल है, तो क्या ये फंक्शन वन टू वन है? इज दिस फंक्शन वन टू वन? नो सर। नो सर, इट इज नॉट वन टू वन, क्योंकि अगर आप इसमें x की वैल्यू 2 पुट करेंगे या माइनस 2 पुट करेंगे तो 2 ही आएगा। ओके, रियल नंबर में 2 भी होता है माइनस 2 भी होता है। नॉट वन टू वन का फॉर्मेट क्या होता है लिखने का वो आप ऊपर देख रहे हैं, ऐसे लिखते हैं बस नंबर डिसाइड होना चाहिए। तो हमने कहा 2 और माइनस 2 ले लेंगे, तो 2 और माइनस 2 से सेम वैल्यू देगा तो वन टू वन नहीं है।
ऑन टू, ये मॉडुलस फंक्शन है, इट प्रोवाइड्स ओनली पॉजिटिव वैल्यूज इंक्लूडिंग जीरो, लेकिन रियल नंबर में तो नेगेटिव भी होता है, तो हम क्या बोलेंगे कि इस फंक्शन के रिस्पेक्ट में यहाँ पे यहां से लिखेंगे -1 लिख दो या कुछ भी लिख दो, -1 बिलोंग टू आर हैज नो प्री इमेज इन रियल नंबर अंडर एफ, सो फंक्शन इज नॉट ऑन टू, कोई भी नेगेटिव नंबर बता सकते हो चलेगा, ओके कुछ इसमें डिस्कस करना है देखो एक बार। थर्ड वाले का एक बार ऑन टू फंक्शन वापस से बता दीजिए, ग्रेटेस्ट इंटीजर वाला ऑन टू, थर्ड वाले का ऑन टू, हम कह रहे हैं कि इसके कोडोमेन में डेसिमल वाले नंबर अवेलेबल होंगे जो कि रिसीव नहीं होंगे कभी भी, बस वही चीज लिखना चाह रहे हैं यहाँ पर। ओके, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है ना, तो डेसिमल में तो आंसर आएगा नहीं कभी। यस सर, इनपुट तो डाल सकते हैं डेसिमल वाला, लेकिन आउटपुट आपको देखो 1.3 डालते हैं तो भी 1 ही आता है, मतलब इसके आंसर 1, 2, 3, 4 ऐसे ही आएंगे, लेकिन रियल नंबर में डेसिमल वाले इन नंबर्स होते हैं, तो इसमें जो डेसिमल वाले नंबर्स हैं उनकी प्री इमेज नहीं मिलेगी, तो कोई भी एक आप हाईलाइट कर दो कि उसकी प्री इमेज नहीं है, देन वी कैन से इट इज नॉट ऑन टू। ओके सर, लेकिन अगर ये रियल नंबर टू नेचुरल नंबर होता तो ये हो जाता। यस, ऑन टू हो जाता। इवन इंटीजर होता तो भी हो जाता ऑन टू। ओके, तो ये क्वेश्चन नंबर 5 आपको दिख रहा है, तो इसको समझने के लिए पहले मैं कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस पूछूंगा, फिर उसके आंसर आप खुद ही जज कर पाएंगे कि 1-1 ऑन टू है कि नहीं। इसमें क्या लिखा है कि f एक ऐसा फंक्शन है जिसका आउटपुट 1 आएगा If we take x is greater than 0, मतलब कोई भी नंबर 0 से बड़ा लेंगे तो 1 आएगा, 0 से 0 आएगा और नेगेटिव से -1 आएगा। आप ये बताओ अगर मैं इसमें x की वैल्यू 2 पुट कर दूं तो क्या आंसर आएगा? 1। और अगर x की वैल्यू 1 पुट कर दूं तो 1। और 1.3 लिख दूं तो 1। क्या ये फंक्शन 1-to-1 है? नो सर। मैंने 3 डिफरेंट वैल्यूज आपको बताई लेकिन आप लोगों ने हर बार 1 बोला, इट मींस डिफरेंट वैल्यू गिव्स सेम आउटपुट इन दिस प्रॉब्लम। सॉल्यूशन अगर आप चाहते हैं कि मैं लिख के दिखाऊं आपको तो आप ये कॉपी कर सकते हैं एग्जैक्ट, एक शब्द भी चेंज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 1 से भी 1 आ रहा है, 1.3 से भी 1 आ रहा है, 2 से भी 1 आ रहा है, तो नॉट 1-to-1 आ जाएगा। नेक्स्ट, x की वैल्यू क्या पुट करें कि आंसर 1 आ जाए? अब बताओ, माय क्वेश्चन इज व्हाट आई सब्स्टिट्यूट इन प्लेस ऑफ x सो दैट आउटपुट बिकम्स 1। आपको नंबर बताना है, सेट नहीं बताना, कोई एक नंबर बताओ। 1। और कोई? 5। अच्छा जी, x की वैल्यू क्या पुट करने से -1 आंसर आ सकता है? -10। सॉरी, -2। माइनस। अच्छा जी, x की वैल्यू क्या पुट करें कि 2 आंसर आ जाए? पॉसिबल नहीं, नॉट पॉसिबल। यस, अच्छा क्या इस वाले सेट में 2 होता है? Yes, sir. तो क्या ये फंक्शन ऑन टू हुआ? नो सर। नहीं, तो हम लिखेंगे कि इस फंक्शन में 2 की प्री इमेज नहीं है, दैट्स व्हाई इट इज नॉट ऑन टू। देखो क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 में एक कॉम्प्लिकेशन है कि इनका जो fx है वो इक्वेशन फॉर्म में नहीं है, इक्वेशन फॉर्म में नहीं है तो इसको बिल्कुल भी उस तरीके से नहीं कर सकते जिस तरीके से ऑन टू वाला क्वेश्चन करते हैं कि एफ एक्स को वाई मान ले और फिर वैल्यू निकाले, नहीं हो पाएंगे, इसको आपको डायरेक्ट ही जज करना पड़ेगा, तो आपको इसी फॉर्मेट में लिखना पड़ेगा। ये लाइन तो पूरी लिखनी जरूरी नहीं, यहां से लिख सकते हैं सिंस 1.5 बिलोंग टू डोमेन हैज नो प्री इमेज इन कोडो, सॉरी यहाँ कोडोमेन या डोमेन अंडर एफ, देयरफॉर एफ इज नॉट ऑन टू। ओके, तो इस तरीके से आप कर सकते हैं।
कुछ भी डिस्कस करना है इस क्वेश्चन में और कर सकते हैं, पूछ लीजिए कुछ पूछना है तो। इस फंक्शन को सिग्नम फंक्शन भी कहते हैं। इस फंक्शन का नाम है सिग्नम फंक्शन, बुक में लिखा है वैसे तो। दिस फंक्शन इज नोन एज सिग्नम फंक्शन। जैसे ऊपर वाले को मॉडुलस कहते हैं, थर्ड वाले को ग्रेटेस्ट इंटीजर कहते हैं, दिस फंक्शन हैज ए स्टैंडर्ड नेम सिग्नम फंक्शन। कुछ लोग इसे सिग्नेचर फंक्शन भी कहते हैं। वो एक्चुअली क्या है कि इसके साइन के हिसाब से करस्पॉन्ड करता है, पॉजिटिव के लिए वन, नेगेटिव के लिए माइनस वन। दैट्स व्हाई कुछ इस टाइप का रिलेशन। क्वेश्चन नंबर 6 पढ़िए फिर मैं पूछूंगा आपसे। एक बार 6 रीड कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6, उसमें ए दिया है, बी दिया है और एफ को पॉइंट्स की फॉर्म में दिया है, मतलब रिलेशन में बना के दिया है। 1, 4 मतलब 1 को 4 से ज्वाइन करोगे, 2, 5 को 5 से ज्वाइन करोगे, 3, 6 ऐसे ज्वाइन करोगे। कोई भी अगर आपके पास इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो आप पिक्चर से इसको कर सकते हो, वो 1 मार्क्स वाले टाइप में ही आएगा। अब वो क्वेश्चन पूछ रहा है क्या ये 1-to-1 है, तो क्या कहेंगे हम, क्या ये 1-to-1 है? Yes, sir. Yes. अब इसको लिखना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, कैसे लिखें, तो इसके लिए हम लैंग्वेज का इस्तेमाल करेंगे। सिंस डिफरेंट इनपुट गिव्स डिफरेंट आउटपुट, देयरफॉर एफ इज 1-to-1। ये डेफिनेशन होती है 1-to-1 की, कि अलग अलग नंबर लिखने से अलग अलग आंसर आए, सेम ना आए। अच्छा, अगर ऑन टू पूछ लेता तो क्या ऑन टू है ये? नो सर। रीजन ऑन टू क्यों नहीं है? द 7th इज नॉट हैविंग इट्स प्रीम। 7th का कोई प्रीम? 7th प्रीम। यस। देखो ये क्वेश्चन नंबर 8 का एक्सप्रेशन है कि आपके पास एक फंक्शन है और उसमें आप जब भी कोई एक्स वाई लिखते हो तो वाई कॉमा एक्स आ जाता है। ठीक है, वी हैव टू चेक इट इज 1-1 एंड ऑन टू, बाइजेक्टिव चेक करना है इसको। ठीक है, एक्सप्रेशन को आप ध्यान से देखो, जब भी आप एक्स कॉमा वाई लिखोगे तो आंसर वाई कॉमा एक्स आएगा। ये थोड़ा अजीब सा क्वेश्चन दिख रहा होगा आपको कंपेरेटिव टू अदर प्रॉब्लम्स, क्योंकि इसमें आप डोमेन देखेंगे तो वो खुद क्रॉस प्रोडक्ट फॉर्म में, पहले सिंपल एक ए होता था, आर या एन जो भी है, तो एक नंबर इनपुट होता था। दिस टाइम यू हैव ए क्रॉस बी, तो ए क्रॉस बी के जो पॉइंट्स हैं वो इस टाइप के होते हैं, कोऑर्डिनेट कार्टेशियन फॉर्म, और ये भी ऐसे ही होता है। और ये वाला एक्सप्रेशन हमें लिख के दिया है खैर क्वेश्चन में, और कैसा एक्सप्रेशन है कि जब भी आप कोई पॉइंट लिखोगे उसकी पोजीशन चेंज हो जाएगी, जैसे अगर 1, 2 लिखोगे तो 2, 1 हो जाएगा, ऐसा एक्सप्रेशन हो जाएगा। ये फंक्शन है, अब मुझे 1-1 शो करना है, तो 1-1 के लिए स्टार्टिंग आप सोचिए क्या लिखते थे हम। मैं कंपेयर करा रहा हूं क्योंकि फर्स्ट टाइम क्रॉस प्रोडक्ट का क्वेश्चन आया, और कोई नहीं है बुक में ऐसा। हम लेते थे x1, x2 belong to domain। तो यहाँ पर x1 मतलब पॉइंट, और यहाँ पर डोमेन में एक पॉइंट ही ऐसा दिखेगा आपको, x1 a भी लिख लेता हूँ मैं, a b, और दूसरा पॉइंट x2 की जगह c d, और डोमेन में बिलोंग करना है क्योंकि a कॉमा b एक ही पॉइंट है डोमेन के हिसाब से, है ना, क्योंकि a क्रॉस b में सारे पॉइंट ऐसे ही होंगे। और दूसरा ये, उसके बाद हम क्या कंसीडर करते थे, fx1 = fx2, x1 मतलब a कॉमा b, x2 मीन्स c कॉमा d। अब फंक्शन की हेल्प लेते हैं, फंक्शन में जब x y लिखेंगे तो आंसर y x हो जाएगा, तो a b लिखेंगे तो b a हो जाएगा, d c हो जाएगा। अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का यूज करते हैं, अगर दो कोऑर्डिनेट इक्वल हैं तो x की वैल्यू x के इक्वल, y की वैल्यू y के इक्वल। हाँ जी, तो मुझे देखो ये क्या है, fx1 = fx2 है, तो हमें शो क्या करना होता है, याद करो x1 = x2, है ना, तो x1 हमारा ab है, x2 हमारा cd है, तो दो कोऑर्डिनेट इक्वल कब होंगे, मैंने लिख तो दिया आप जानबूझ के, लेकिन आपको समझना होगा कि इक्वल कब होंगे, जब a इक्वल होगा c के और b इक्वल होगा d के,
और अगर आप जस्ट ऊपर वाली लाइन देखें तो ये आपको दिखाई दे रहा है ना, यहाँ से डायरेक्टली नहीं पता चल रहा क्या करना था हमें, लेकिन अगर आप यहाँ से देखेंगे तो आपको पता है कि आपको क्या करना था, AB इक्वल टू CD बनाना था। तो AB इक्वल टू CD कब बनेगा, जब when A इक्वल टू C एंड B इक्वल टू D। तो दिस सेज F इज 1:1 ऑन टू। तो ऑन टू में हम क्या करते हैं, एक पॉइंट लेते हैं कोडोमेन में, कोडोमेन यहाँ B क्रॉस A है। ओके, ऊपर दिखाऊं आपको, देखो कोडोमेन आपका B क्रॉस A है। तो B क्रॉस A में जो पॉइंट होगा वो तो ऑब्वियसली कोऑर्डिनेट फॉर्म का होगा। तो मैं एक न्यू पॉइंट ले रहा हूं ताकि ऊपर के सिंबलों से कंफ्यूजन ना हो, आई एम राइटिंग P एंड Q। तो ये इसमें बिलोंग करा लिया। अब डेफिनेशन को याद करो क्या होती है, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अब आपको डोमेन में एक पॉइंट ढूंढना है डायरेक्टली जिसको पुट करके ये PQ आ जाए। तो अब आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट की डेफिनेशन का इस्तेमाल करना होगा। अगर P, Q B क्रॉस A में है तो Q, P A क्रॉस B में होगा। और हम कह रहे हैं कि अगर मैं Q, P को पुट कर दूं अपने फंक्शन में तो फंक्शन का जो स्टाइल है वो कहता है P, Q बना देगा इसे। तो हमने क्या देखा कि जब भी हम B क्रॉस A में कोई पॉइंट लेंगे तो डोमेन में हमें एक पॉइंट मिल जाएगा जिसको फंक्शन में पुट करके वही रिसीव हो जाएगा। इट मींस F इज ऑन टू, और अगर 1-1 ऑन टू दोनों हो गया है तो F इज बाइजेक्टिव। ठीक है, ये एनी डिस्कशन, नो? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। हाँ जी, तो इस क्वेश्चन में नेचुरल नंबर डोमेन है, नेचुरल नंबर कोडोमेन है। ये एफ एन दिया हुआ है, एन नेचुरल नंबर लेना है 1, 2, 3, 4, और बता रखा है कि इफ यू टेकिंग एन ऑड तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करके आउटपुट निकालेंगे, और अगर आप इवन नंबर पुट करते हैं तो यहाँ पे पुट करेंगे। तो मैं वर्बली अगर डिस्कस करूँ आपके साथ तो 1-1 का कंक्लूजन आपको आसानी से मिल जाएगा। इफ आई पुट एन इक्वल टू 1 हियर, एन की जगह अगर एक लिखें तो एक ऑड नंबर है, और ऑड नंबर यहाँ जब 1 लिखेंगे तो 1+1/2 आंसर आएगा 1। सिमिलरली जब 2 लिखेंगे तो भी 1 आएगा। तो इससे हमें आइडिया लग पा रहा है स्टार्टिंग में कि हमारा फंक्शन 1:1 नहीं है। तो एक नंबर 1 ले लिया, एक 2 ले लिया। तो एफ में जब n1 पुट करेंगे तो n1 ऑड है, तो ऑड यहाँ लिखेंगे 1+1/2। n2 लिखेंगे, n2 क्या, तो हेयर n1 और n2 जो हमने दो नंबर पिक किए वो इक्वल नहीं है, एंड fn1 और fn2 इक्वल है, देयरफॉर f इज नॉट 1:1। तो बेसिक सा ही सॉल्यूशन है, बट फंक्शन देख रहे हो जो आप वो थोड़ा अलग सा है ना। इस टाइप के फंक्शन एग्जामिनेशन में काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। किस टाइप के, जो ये स्प्लिट करके दो पार्ट्स में दिए गए होते हैं। एनसीईआरटी में इस टाइप के 3-4 क्वेश्चन है, एक तो आप ये देख ही रहे हैं, एक एग्जाम्पल में है और शायद एक या दो मिसलेनियस या एग्जाम्पल में। मिसलेनियस में भी एक क्वेश्चन तो कंफर्म मुझे याद है, और एग्जाम्पल में हुआ तो दो, एक और बढ़ जाएगा। ऑन टू, लेट वाई बिलोंग टू कोडोमेन, कोडोमेन नेचुरल नंबर है, कंसीडर एफ एक्स इज इक्वल टू वाई। अब प्रॉब्लम है कि एफ एक्स की वैल्यू क्या लिखें, एफ एक्स इक्वल टू वाई लिख दिया। अब एफ एक्स की वैल्यू इन दोनों में से कौन सी लें उसमें प्रॉब्लम है, इसमें तो कोई बता नहीं सकता क्या करना है।
तो वी आर मेकिंग केसेस इफ एक्स इज इवन या ऑड व्हाटएवर यू वांट फर्स्ट इफ एक्स इज ऑड देन एफ एक्स इज इक्वल टू वाई गिव्स अब x को हमने ऑड मान लिया तो ऑड के केस में हमारा फंक्शन क्या है x प्लस 1/2 इक्वल टू y तो x की वैल्यू यहां से क्या निकलेगी 2y माइनस 1 ऑब्वियसली बिलोंग करेगी क्योंकि y क्या है नेचुरल नंबर ये देखो ऊपर लिखा है यहाँ किसी नेचुरल नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करें और फिर 1 सबट्रैक्ट करें बिकॉज अगर y की स्मॉलेस्ट वैल्यू भी ले लेते हैं तो 2 माइनस 1 1 हो जाएगा नेचुरल नंबर होगी और y को थोड़ा बड़ा करेंगे तो फिर तो प्रॉब्लम है ही नहीं क्योंकि हमें प्रॉब्लम सिर्फ 0 या नेगेटिव नंबर से है क्योंकि माइनस 1 दिख रहा है ठीक है तो इस केस में तो हमें x मिल पा रहा है दूसरे केस में देखते हैं केस 2 इफ x is even, then fx is equal to y gives us. So x even है तो x by 2 y. So x की value 2y. So 2y is also a natural number. So this implies f is onto. इस question का onto मैं एक और तरीके से भी कर सकता हूँ. ध्यान से देखना. Let y belong to natural number. अब डेफिनेशन क्या कहती है डेफिनेशन तो कहती है भैया मुझे ढूंढ के दिखा दो डोमेन में एक नंबर डोमेन नेचुरल नंबर है एक नंबर ढूंढ के दिखाओ वाई आ जाना वाई ला दिया आपने तो हमारा फंक्शन ऑन टू हो जाएगा तो इस बार बड़ा आसान है अगर वाई नेचुरल नंबर है तो 2y नेचुरल नंबर होगा इसमें कोई शक नहीं ये भी क्लियर है कि 2y इवन है ना तो इवन नंबर जब फंक्शन में लिखते हैं तो 2y by 2 आना था n by 2 था तो y आ गया तो इसका मतलब है जब भी आप कोडोमेन में एक नंबर ले रहे हैं तो डोमेन में इजीली एक नंबर अवेलेबल है जिसको पुट करके y अवेलेबल है इट मींस y इज फंक्शन इज ऑन टू ओके एनी डिस्कशन सर ये और वाला पार्ट जो अल्टरनेटिव है वो नहीं समझता ऑन टू की डेफिनेशन क्या होती है कि फॉर ईच वाई बिलोंग टू कोडोमेन यू हैव टू सर्च कोई नहीं बताएगा आपको एक नंबर डोमेन में ढूंढना है जिसको एफ में पुट करें तो वाई आ जाना चाहिए तो भाई ये लाइन फिक्स हुई डेफिनेशन के हिसाब से तो अब ये मैंने बताया फिलहाल आपको लेकिन आप समझो कि जो मैंने बोला वो फुलफिल हो रहा है कि नहीं So if y is a natural number, then 2y is a natural number, and 2y is even also. तो और ये वाला n domain है. तो domain में ये number मिल रहा है आपको, जिसको function में put करोगे तो y आ जाएगा. Because y 2 even है, तो 2y by 2 लिखोगे y आ जाएगा. तो onto की definition fulfill हो रही है. Function is onto. तो भी ज़्यादा है question भी अच्छा. Exam के लिए बिल्कुल perfect question. तो ऑर्डिनरी एक्सप्रेशन जैसा दिख रहा है ए रियल नंबर एक्सेप्ट 3 सिमिलरली बी इज कलेक्शन ऑफ ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 1 एंड एफ एक्स इज गिवन टू यू हमें शो करना है 1 1 एंड ऑन टू ठीक है तो मैं 1 1 पहले करता हूँ लेट एक्स 1 कॉमा एक्स 2 बिलोंग टू डोमेन x1 minus 2 divided by ठीक है ऑर्डिनरी क्रॉस मल्टीप्लाई x1 से करेंगे पहले मल्टीप्लाई आप अपनी समझ से मल्टीप्लाई कर सकते हैं इसमें कुछ देखने की जरूरत नहीं माइनस 3x1 प्लस 2x1 और ये 2x2 उधर
माइनस एक्स वन इक्वल टू एक्स वन इक्वल टू एक्स टू, सो एफ इज वन टू वन. ओके, ऑन टू का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं. तो वन टू वन में कोई ऐसा दिक्कत नहीं है इसमें, इसमें ऑन टू वाला पार्ट अच्छा है. इसका जो ऑन टू है वो काफी इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग है, स्टूडेंट लेवल के लिए थोड़ा डिफिकल्ट है. y बिलोंग टू b और b क्या है, r माइनस वन. ओके, एफ एक्स इज इक्वल टू वाई, एक्स अब मुझे x निकालना है तो मैं x वाली दोनों टर्म्स एक तरफ रख दूंगा. इसमें कुछ बोल के बताने की ज्यादा नहीं है, एक ऑर्डिनरी इक्वेशन है उसमें से x निकालना है. अब यहाँ के बाद चैलेंज शुरू होता है क्योंकि हमें क्या शो करना है कि ये बिलोंग कर रहा है कि नहीं. टू शो, जो मेरा ये x निकला है ये बिलोंग टू ए कर रहा है, डोमेन, डोमेन है आर माइनस थ्री. दैट इज क्या शो करना पड़ेगा, हमें दो बातें शो करनी पड़ेंगी इसके लिए. ये जो x है वो एक तो रियल नंबर है और दूसरा जो ये x निकला है ये थ्री के इक्वल नहीं है. आर माइनस थ्री का मतलब है एवरी रियल नंबर एक्सेप्ट थ्री. तो मतलब रियल नंबर तो होना चाहिए बट थ्री नहीं होना चाहिए, ये दो बातें जस्टिफाई करती हैं. तो पहले हम पहले पॉइंट की तरफ जाते हैं. तो हमने y कहाँ बिलोंग करा रखा है, r माइनस वन में. दैट इज y इज नॉट इक्वल टू वन, देयरफॉर जो x की वैल्यू है टू माइनस थ्री वाई, वन माइनस वाई, ये रियल नंबर तो होगी क्योंकि यहाँ पर रियल नंबर से जो कॉम्प्लिकेशन आती है वो दो जगह ही आती है, या तो अंडर रूट में नेगेटिव आ जाए या फिर डिवाइड में जीरो आ जाए. यहाँ पर स्क्वायर रूट तो है नहीं लेकिन डिवाइड का एक्सप्रेशन है. तो अगर डिवाइड में देखो हम y की वैल्यू वन नहीं है तो ठीक है, फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो रियल नंबर तो है. अब हम शो करेंगे कि वो थ्री नहीं है. नाउ वी विल शो x इज नॉट इक्वल टू थ्री. कॉन्ट्रडिक्शन से करेंगे. लेट इफ पॉसिबल x इक्वल टू थ्री, कॉन्ट्रेरी एज्यूम कर लिया कि वो है. x मतलब टू माइनस थ्री वाई, वन माइनस वाई इक्वल टू थ्री, ये x की वैल्यू लिख दी. क्रॉस मल्टीप्लाई, थ्री वाई से थ्री वाई कट गया, टू इक्वल टू थ्री. तो टू इक्वल टू थ्री आ गया, दिस इज इम्पॉसिबल. Therefore, our assumption was wrong. कौन सी assumption थी हमारी, x equal to 3. So this implies x is not equal to 3. तो इससे क्या पता चला, जो x की value हमने निकाल के रखी है ये r minus 3 में belong करती है, ए में बिलोंग करती है. इट मींस एफ इज ऑन टू. और अगर बाइजेक्टिव पूछा गया है एग्जाम में तो आप लिखेंगे एफ इज बाइजेक्टिव, नहीं पूछा है तो लास्ट सेंटेंस छोड़ दें बस. तो ये क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है. प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो लास्ट का ऑन टू वाले में प्रॉब्लम आएगी. आर प्लस का मतलब जीरो से इनफिनिटी, ठीक है. एफ एक्स दिया हुआ है तो सेम अदर क्वेश्चन की तरह लिख रहे हैं. जहां कैलकुलेशन की कॉम्प्लिकेशन आएगी मैं बोल के बताता हूँ.
फाइव कट जाएगा, स्क्वायर वाली टर्म एक साथ लिख लेंगे, सिक्स वाली एक साथ, नाइन कॉमन, अब x1 माइनस x2 कॉमन ले लेंगे यहां से, तो ये हो गया माइनस सिक्स बाई नाइन। हम बोलेंगे सिंस x1 और x2 की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है, देयरफॉर x1 प्लस x2 को ऐड करके नेगेटिव नंबर तो आ ही नहीं सकता कभी, सो दिस इंप्लाइज x1 इक्वल टू x2, इट मींस f इज ऑन टू, सॉरी f इज वन टू वन, ठीक है। तो और के एक्सप्रेशन में आए थे दो, ये टर्म पॉसिबल नहीं है, ये वाली x1 equal to x2 यहां से आ रही है on to, let y belong to codomain, codomain है minus 5 से infinity तक, अब इस इक्वेशन में से x निकालना डिफिकल्ट है थोड़ा सा, ठीक है, एक ये भी वजह है कि ये क्वेश्चन कराना पड़ रहा है, तो x की वैल्यू कैसे निकाली जाए इसमें, तो साइड चेंज कर लीजिए, नाउ इट बिकम्स ए स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हमें x की वैल्यू निकालनी है तो x के हिसाब से इसको क्वाड्रेटिक देखेंगे, तो a b और c मिल गया आपको, तो x का फॉर्मूला लगा देंगे जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्मूला होता है, x is equal to minus b plus minus b square minus 4 a or c y, ठीक है, वैल्यूज बस मुझे थोड़ा सा याद थी इसलिए लिख रही, आप टर्न कर करके देख सकते हैं, अब देखो इसमें थोड़ा कैलकुलेशन कैसे करेंगे, माइनस कॉमन ले लेते हैं, 5 प्लस वाई हो जाएगा, अब मैं 36 से अंदर मल्टीप्लाई करने वाला नहीं हूँ, मुझे लग रहा है अगर 36 कॉमन ले लें तो ज्यादा बेटर है, 36 कॉमन ले लेंगे तो बाहर 6 हो जाएगा, डिजिट भी छोटी हो जाएंगी, है ना, छे कॉमन लेके कट जाएगा पूरा पूरा और अंडर रूट के अंदर आ जाएगा y प्लस 6, तो हमारा x इस फॉर्म में आ गया, अब फिर से दो वैल्यूज आ गई, तो अगर इनमें से एक भी डोमेन में बिलोंग करा दी हमने, देन वी कैन से माई फंक्शन इज ऑन टू, y की वैल्यू हमें पता है ये है, इसका मतलब है ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 5, इसमें हम ऐड 6 करते हैं, एडिंग 6, तो y प्लस 6 ग्रेटर देन इक्वल टू 1, टेकिंग स्क्वायर रूट, तो आ जाएगा y प्लस 6 अंडर रूट और ये अंडर रूट 1 जो कि 1 हो जाएगा, subtracting 1, तो इधर 1 subtract करेंगे तो आगे लिखे पीछे कैसे भी लिख लीजिए, क्वेश्चन के स्टाइल में लिख लेते हैं, उधर से subtract करेंगे 1 तो बचेगा 0, divided by 3, तो 3 से divide करेंगे तो minus 1 equal to, so this implies
हमारी जो एक वैल्यू बन गई है, जो दो ऊपर निकाली थी हमने प्लस माइनस में, उनमें से एक ये वाली बिलोंग कर गई है आर प्लस में, तो दिस इंप्लाइज एफ इज ऑन टू।